जनरली वैसे टोटोमर बहुत सारे जगह पे होता है, ठीक है। तुम लोगों के सिलेबस में जो टोटोमर वाला पार्ट है वो किसके लिए ज्यादातर? बेसिकली एलियड और कीटोन को तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है। वैसे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख पाऊंगा, लेकिन मेनली फिर भी किसके लिए रहता है? एलियड और कीटोन के लिए रहता है। तो देखो, एनी एलियड और कीटोन हैविंग हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ब्रैकेट में लिख लो ऑन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ऑन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन शोज टोटोमेरिज्म। क्या होता है टोटोमेरिज्म जो होगा? टोटोमेरिज्म के लिए क्या होगा बेटा? ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन इन जनरल, इन जनरल कौन कौन शो करता है बेटा? एल्डिहाइड और कीटोन। इसके अलावा बहुत जगह पे होता है, हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। जिनके पास में क्या होगा बेटा? अल्फा एच होगा। अल्फा एच किस कौन से वाले कार्बन पे होगा? sp3 हाइब्रिडाइज पे। बट अगर sp2 हाइब्रिडाइज पे अल्फा एच है, sp2 हाइब्रिडाइज पे अल्फा एच है, तो उसमें केस में टोटोमर नहीं होगा, उसके केस में टोटोमर नहीं होता। sp पे होगा, मतलब sp पे तुम लोगों को मिलेगा नहीं। अगर होता भी है तो sp हाइब्रिडाइज पे भी टोटोमर नहीं होता, ठीक है ना। तो कौन से वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए? दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे हाइड्रोजन होगा तो टोटोमर होता है, ठीक है। देखो बहुत आसान सा प्रोसेस होते हैं। मान लो मेरे पास में एक कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है बेटा। ऐसा मेरे पास में एक एल्डिहाइड थोड़ा, इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन है तो होता क्या है बेटा कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड टूटता है इधर, यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ आएगा प्लस, ये वाला बॉन्ड टूटता है कार्बन की तरफ। या फिर बोल सकते हो कि ये वाला जो बॉन्ड है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है? वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है। यहाँ शिफ्ट होने से एक सिंपल बहुत आसान सा प्रोसेस होगा। तो बट यहाँ पे क्या होगा? सी, यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या हो गया? एच डबल बॉन्ड सी। इस एच पे कौन चला जाएगा बेटा? इस ऑक्सीजन पे एच चला जाएगा। ये वाला प्लस में टूटेगा, ये कार्बन माइनस में। तुम लोग सोच सकते हो कि ये वाले प्लस और माइनस ने एक बॉन्ड बना लिया इधर, और ये वाले और प्लस और माइनस ने एक बॉन्ड बना लिया इधर, ठीक है ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा? एक ऐसे कुछ था, यहाँ पे एक एच। तो ये फॉर्म कौन सा था बेटा? कीटो फॉर्म था। ये कौन सा फॉर्म है? कीटो। और ये वाला फॉर्म क्या था बेटा? इनॉल, ठीक है ना। तो कीटो और इनॉल जो होते हैं वो टोटोमर की तरह एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये तो था कीटो, कीटो ग्रुप होता है बेटा। सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? इनको कीटो बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आर है, यहाँ पे आज है, जिसको एलियड बोला जाता है। और यहाँ पे जो आर हो जाए तो क्या हो जाएगा? कीटोन ग्रुप बोला जाता है, कीटो ग्रुप, ठीक है ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? जो हाँ, तो बेटा ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से किस में कन्वर्ट हो गया? पाई में। एक्चुअल में ये जो है वो रेजोनेंस के जैसा नहीं, बात करेंगे इसकी जो मैकेनिज्म पढ़ाएंगे अभी, थोड़ा सुन होगा, ठीक है ना। ये रेजोनेंस नहीं हो रहा है, या ऐसा नहीं हो रहा कि सिग्मा बॉन्ड जो हो रहा है वो पाई में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, एक रिएक्शन के जैसा हो रहा है। एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें क्या हो रहा है? कीटो और इनॉल फॉर्म एक दूसरे के ट्रांजिशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, मतलब ये चलता रहेगा, ये इधर बनता रहेगा, इधर बनता रहेगा सब कुछ, ठीक है। देखो इन जनरल जो इनॉल फॉर्म होता है, इन जनरल जो इनॉल कंटेंट होता है वो कैसा रहता है बेटा? नियरली 0%, मतलब ना के बराबर बनता है, बनता है लेकिन कैसा बनता है? नेग्लिजिबल, ठीक है ना। इन जनरल इनॉल कंटेंट जो होता है वो नेग्लिजिबल रहता है, और जो बेटा जो कीटो कंटेंट रहता है वो कैसा कैसा रहता है? नियरली 100% रहता है, ठीक है ना। जो कीटो कंटेंट रहता है दैट इज नियरली 100%, और इनॉल कंटेंट जो रहेगा वो कैसा रहेगा बेटा? 0% के आसपास रहता है, ठीक है। ये हम लोग समझाएंगे अभी, ठीक है। मैं तुम लोगों से पहले पूछूं कि HCHO जो है वो टोटोमर शो करेगा कि नहीं करेगा? HCHO ये भी टोटोमर शो नहीं कर सकता ना, इसके पास भी अल्फा एच नहीं। समझ आ रहा है? तो आप लोग ये पहचान सकते हो कि कौन सा वाला कंपाउंड टोटोमर शो करेगा, कौन सा वाला कंपाउंड टोटोमर शो नहीं करेगा। नेसेसरी कंडीशन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज
कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कहाँ दिखाया तुम लोगों को, अल्फा कार्बन ये है, इसमें कोई एच है, ठीक है। मैं ऐसा बोलूं बेटा हम लोगों के पास में क्या होगा, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच ओ, ये शो करेगा क्या, इसके पास अल्फा एच है, ये वाला अल्फा कार्बन है, लेकिन बट ये sp2 हाइब्रिड क्या पार्टिसिपेट करेगा, नहीं करेगा, ठीक है ना सर। एक मिनट, ये वाला किसका अल्फा एच किससे लिखना है सर, अल्फा एच एल्डिहाइड के लिए, अल्फा एच मतलब कीटो ग्रुप के लिए, अल्फा जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं उसके लिए, अल्फा एच कौन सा वाला होगा बेटा, देखो ये वाले बताए, ये सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे एक एच है, ये सी है, इससे कितने सी एस सी लगे हुए हैं, इसके पास में कोई अल्फा एच है, अल्फा कार्बन कौन सा वाला है बेटा, अल्फा कार्बन कौन सा वाला है, ये कार्बन सभी कैसे कार्बन है बेटा, ये बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन तो कोई एच है, जो एल्डिहाइड से लगा हुआ है, हाँ पड़ोसी फर्स्ट नियरेस्ट नेबर को अल्फा बोलते हैं, हाँ डबल बॉन्ड की अटैचमेंट है, अरे सीटो के लिए बोल रहे ना हम, तो उसको सुन लो ना बस, किसका बना रहा टोटा हुआ सी डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देखो, ठीक है, और किसके रेस्पेक्ट में देखना चाहोगे तुम, उन लोगों बोला तो स्पेशल कार्बन का पड़ोसी को अल्फा कार्बन बोलते हैं, बोली गए तो क्या करें, स्पेशल कार्बन कौन है, स्पेशल कार्बन ये उस समय तो वो थे सर कैटायन और कुछ और भी तो लिखे थे, कैटायन नाइन थोड़ी भी लिखे थे, सब कुछ बताया थे, फंक्शनल ग्रुप लगा के ही बताए थे, तो फंक्शनल ग्रुप का पड़ोसी देखेंगे, ठीक है ना, समझ आ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, ये कॉपी करो जल्दी, ये लिखो फिर बताते हैं। बन रहा है ना, हाँ तो हो सकता है ज्यादा बन जाए, वो देखेंगे ना, इतना दिमाग क्यों लगा, बोले पूरे दिन इसको पढ़ाएंगे हम, ये थोड़ी बोले सब जगह 0% बने, अभी लिखे हैं इन जनरल लिखे हैं, ऑलवेज तो नहीं लिखे हैं, ठीक है इतना कॉपी हो गया, लिखो इसको, चलो बेंजीन में जो है वो हाइड्रोलाइज का करें, अल्फा एच ही नहीं है, एच कहाँ है उसके पास, एच है कार्बन के पीछे वाले कार्बन पर, नहीं है ना, एच नहीं तो नहीं होगा, मैं सी सी एल थ्री लिख दूँ, सी सी एल थ्री सी एच ओ तो क्या शो करेगा, नहीं करेगा, तीन सी एल लगाए तीन एच होना चाहिए था वहाँ पर, समझ आ रहा है, सबसे पहला पॉइंट लिखो इन जनरल इनोल कंटेंट इज नेगलिजिबल, इन जनरल इनोल कंटेंट कैसा होता है बता, नेगलिजिबल होता है, ठीक है ना, समझ आ रहा है बेटा, इनोल कंटेंट ज्यादा कम मिलता है, इनोल कंटेंट ज्यादा तब मिलता है, सबसे पहली बात या तो एरोमेटिसिटी आ जाए उसके पास, कैसा हो जाए वो, उसको एरोमेटिसिटी मिल जाएगा, तो इनोल कंटेंट कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, इनोल कंटेंट कैसा वो ज्यादा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा उसमें एच बॉन्ड नहीं हो जाए, क्या हो जाए बेटा उसमें इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग मिल जाए, इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग जानते हो तुम लोग, बेटा उसके बीच में क्या हो जाए इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग हो जाए कहीं तो बेटा इनोल कंटेंट काफी ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, तो इन जनरल एच बॉन्डिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इनोल कंटेंट बढ़ जाता है, इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग, ठीक है ना, इस इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग को कहीं कहीं तुम लोगों को इसमें लिखा मिल जाएगा कि इसको चिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना, चिलेशन हो जाए ऐसा भी लिखा मिल सकता है, ठीक है, क्या हो जाए चिलेशन हो जाए, है ना, तो भी आप लोगों को मिल सकता है कि हाँ इनोल कंटेंट कैसा हो गया बढ़ गया, चिलेशन मतलब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग की ही बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ टोटोमर हो सकता है, बहुत सारी कंडीशन है टोटोमर होने की, उसके लिए और नेक्स्ट देखो हम लोग कीटो और इनोल लिख दिए, सबसे पहला टोटोमर होने का कंडीशन क्या क्या है, कीटो फॉर्म
और इनॉल फॉर्म में हो सकता है, कीटो इनॉल जानते हुए लिखे हैं, ठीक है ना। दूसरा लिखो बेटा, माइट्रोसो और ऑक्साइम के केस में हो सकता है, माइट्रोसो और ऑक्साइम के केस में हो सकता है, ठीक है। माइट्रोसो क्या होता है जानते हो तुम लोग, माइट्रोसो के बारे में तो जानते ही हो। माइट्रोसो CH3NO, ठीक है ना, एनओ ग्रुप क्या होता है, नाइट्रोसो, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या है, इसके पड़ोस में एच है ना, है कि नहीं है, देखो तीन एच है इसके पास, ये टूट सकता है, हम लोग एक एच यहाँ लगा ले, एक एच इधर, एक एच इधर, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। ये वाला एच को किसमें कन्वर्ट करोगे, यहाँ फाइव, और इसको तोड़ोगे यहाँ पे, ऐसे ही करना है हम ऐसा, ठीक है। तो बेटा क्या होगा, देखो सी यहाँ पे क्या होगा, एच यहाँ पे, एच डबल बॉन्ड, एन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ एच, ठीक है। बेटा जो एन सिंगल बॉन्ड ओ एच जो होता है, ये वाला जो होता है, ये कौन सा वाला कंपाउंड है, ऑक्साइम, ठीक है ना। ऑक्साइम जो होता है, एक कंपाउंड होता है हाइड्रोक्सिल अमीन, क्या होता है, हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन क्या होता है बेटा, एन एच टू ओ एच, क्या होता है, एन एच टू ओ एच, ठीक है ना। ये एन एच टू ओ एच से यहाँ से एच टू चला गया, तो इससे जो कंपाउंड बनता है उसको ऑक्साइम बोला जाता है, ओ एक्स आई एम ई, ठीक है। तो ऑक्साइम तुम समझ लो कि ऐसा कंडीशन मिलेगा, सी डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड, इस ये कंडीशन मिले तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑक्साइम, ठीक है ना। ये कॉपी करो, सुनो सर, देखो एक्चुअल में तुम लोगों को अगर कहीं पे एन सिंगल बॉन्ड ओ एच बॉन्ड मिल जाए, क्या मिले, एन सिंगल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। जैसे मैं तुम लोगों से बोला था कीटो और इनॉल में, तुम लोगों को क्या बोला कि कीटो फॉर्म कैसा होता है बेटा, ये मेजर होता है, ये कैसा होता है, मेजर, और ये कैसा होता है बेटा, ये होता है माइनस, इन जनरल। लेकिन नाइट्रोसो और ऑक्साइम में बेटा जो ऑक्साइम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ये मेजर प्रोडक्ट होते हैं, और ये कैसा होता है बेटा, माइट्रोसो जो है होता है वो माइनर होता है, ठीक है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि अगर आप लोगों को एन ओ एच बॉन्ड दिख जाए कहीं पे, कैसा बॉन्ड दिखे, एन ओ एच बॉन्ड, ठीक है ना। तो एन ओ एच बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी होता है, बॉन्ड एनर्जी समझते हो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड, दैट इज वेरी हाई, तो इसका बॉन्ड एनर्जी कैसा होता है बेटा, हाई होता है, ठीक है ना। बॉन्ड एनर्जी हाई होने की वजह से ये वाला प्रोडक्ट हमेशा कैसा मिलेगा तुम लोगों को, मेजर बोलेगा, ठीक है ना। तो बॉन्ड उसका कैसा रहता है, काफी ज्यादा स्टेबल बॉन्ड रहते हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल हम लोग ऐसा ही बताएंगे जो तुम्हें एरोमेटिक, उसका हम लोग अगर टोटोमर करा दे तो एरोमेटिक कंपाउंड बनता है, लेकिन फिर भी उसका जो नॉन एरोमेटिक फॉर्म है वो हाईली स्टेबल रहता है बॉन्ड एनर्जी की वजह से, ठीक है। सर्टेन दो चार जगह पे आपको मिलेगा, लेकिन इतना याद रखो कि हम लोगों को एन ओ एच बॉन्ड कहीं दिखेगा तो वो कैसा रहेगा, मेजर प्रोडक्ट रहता है ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ एन ओ एच बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट लिखो बेटा अमाइड और इमिनॉल्स, नेक्स्ट क्या लिखोगे, थर्ड वाला पीस, थर्ड लिखो अमाइड एंड इमिनॉल्स, ठीक है। अमाइड क्या होता है बेटा, जैसे मेरे पास में क्या हो, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू ग्रुप, अल्फा एच है इसके पास, आया ना, कहाँ कहाँ पे अल्फा एच है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, दो अल्फा एच है, ठीक है, दो अल्फा एच है, तो कौन सा वाला अल्फा एच, कौन सा वाला एच आसानी से निकलेगा, इससे निकलेगा आसानी से, इससे निकलेगा नाइट्रोजन से निकलेगा आसानी से, एच कौन से कंपाउंड से निकलेगा, समझ आ रहा है, कहां से निकालेंगे, नाइट्रोजन से निकालेंगे आसानी से, तो कौन सा वाला एच निकलेगा बेटा, ये वाला, दिस इज मोर एसिडिक एच, समझ आ रहा है कि नहीं, एच प्लस की फॉर्म में जाएगा तो एसिडिक एच है ना, दिस इज मोर एसिडिक एच, आसानी से निकल जाएगा बेटा। तो देखो इसका एच मिलके क्या बनाएगा, सी एस थ्री, यहाँ पे क्या हम लोग सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा ओ एच और डबल बॉन्ड एन एच, ठीक है। ये इमिनॉल बन गया ना, है ना, हाँ, ये इमीन हो गया और ये ओ एच ग्रुप,
अल्कोहल, ठीक है ना, इमिनॉल्स बना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बट यहाँ पे ये कैसा होगा मेजर, और ये कैसा होगा बेटा माइनर, ठीक है, समझ आ रहा है? तो ऐसा टोटोमर आप लोगों को देखने को मिल सकता है इन सब में। नेक्स्ट लिखो बेटा, तुम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सही, यहाँ पर एसपी 300 है, तो सही है ना, एनएच2 का एसपी 300 है, ठीक है सर, समझ आया कुछ? लिखो ट्राई एजो टोटोमर्स, ट्राई एजो, बट एजो आप लोगों को एजो में लिखा हुआ मिल जाए ना, तो एजो मतलब क्या होगा, एन डबल बॉन्ड है ऐसा कुछ रहता है, इसको एजो लिंकेज बोलते हैं, ठीक है ना, क्या मिल जाए बेटा, ऐसा सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड एंड ऐसा कुछ मिल जाए, ठीक है, इसको लोग क्या बोलते हैं, एजो कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है ना, समझा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? पर ट्राई एजो कंपाउंड्स में हो सकता है, डाई एजो कंपाउंड्स में हो सकता है टोटोमर, ऐसा कुछ होगा, मान लो पीएच एन डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड एन एच सिंगल बॉन्ड सी एच, तीन एन लगा इसलिए ट्राई एजो बोला है, दो एन लगा होता तो डाई एजो बोलते, और देखो कहाँ से एच निकल जाएगा बेटा, ये वाला एच आसानी से निकल जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको मैं ऐसा और लिख लेता, देखो यहाँ पे मैं लिखा होता सी एच टू और लिख लो बेटा यहाँ पे पी एच, तो भी उसी को निकाल लेते तुम लोग, पीछे तो था ही नहीं लेकिन फिर भी होता तो उसी को निकालते, ठीक है ना, बेटा यहाँ पे ही बन सकता है, यहाँ पे बनेगा क्या, सिंपल सा कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा पी एच, पता जल्दी से क्या आएगा बेटा, यहाँ पे पी एच सी एच टू, कौन सा वाला बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ पे आ जाएगा एन एच, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड सी एस, ऐसे ही कुछ हो, बस इधर उधर आ गया, ठीक है, और टोटोमर तो बना ही लोगे, नहीं बना लोगे, अल्फा एच को ज्यादा शिफ्टी तो कराना है बस, ठीक है, क्या करना पड़ रहा है हम लोगों को, ऐसा कुछ करना पड़ रहा है कि ए और बी के बीच का डबल बॉन्ड है, इसके बीच है सी पे एच है, इस एच को डबल बना रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, एच जो हो रहा है वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है, वन से लेके एच को कहाँ शिफ्ट करा रहे हैं बेटा, फर्स्ट से लेके थर्ड पे शिफ्ट करा रहे हैं बेटा, सेकंड कहाँ लिख रहे तुम्हें, कहाँ लेके आए, यहाँ लेके आएंगे, यहाँ लेके आए, थर्ड पे लेके जाएंगे बेटा, इस जो भी तक टोटोमर पढ़ाया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायड सिस्टम, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ट्रायड, टोटोमर दो तरीके का होगा, इन डायड सिस्टम इन ट्रायड सिस्टम, ठीक है ना, ट्रायड सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि जो एच हो रहा है वो कहाँ से शिफ्ट हो रहा है बेटा, फर्स्ट कार्बन से लेके थर्ड पे जाके शिफ्ट हो जा रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, इज क्लियर, चलो क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ द टोटोमर ऑफ द फॉलोइंग, देखो ड्रॉ द टोटोमर्स ऑफ द फॉलोइंग, ड्रॉ द टोटोमर्स ऑफ द फॉलोइंग, देखेंगे कहां से तोड़ सकते हैं, कहां से आसानी से निकल सकते हैं, भी कुछ लिख देंगे तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, ड्रॉ द टोटोमर्स ऑफ द फॉलोइंग, draw the tautomers of the following, sir tu kar lijiye kya karna beta, deepti ko enter, isne naam kuch aur karke admit ho gaya na waiting mein, sorry wahan se suno, dekho draw the tautomer of the, ड्रॉ द टोटोमर ऑफ द फॉलोइंग, मैं कुछ लिख रहा हूँ बेटा, इनके तुम लोग टोटोमर ड्रॉ करो, लिखो पहला,
Me3 C double bond O single bond H. दूसरे को PH C double bond O CH3. तीसरा लिखो बेटा CH3 C double bond O CH3. चौथा लिखो बेटा CH3 C double bond O CH2 CH3. प्लीज कोई ऐसा मत लिखो, ऐसा लिखो. पांच मिनट लिखो बेटा. बना लिया सर आप लोगों ने इनका. बनाए इन सबके केस में कॉपी कर लिया इतना. हाँ थर्ड में तो पहुंचेंगे ना, पहले इनको तो लिख दो. बनाओ एक बार जल्दी से, जितना लिख लिया उतना. एट्स किसको देखना था? एट्स हमें देखना है. हेलो देख लिया? सेवन लिखो. सिक्स इतना सही मतलब. थर्ड किसको लिखना है ये लोगों? नाम क्या थर्ड वाले का? थर्ड का इधर है, इधर है. क्या बोलते हैं इसको? प्यार से क्या बोलते हैं? वो याद कर लो, ठीक है? क्या बोलते हैं? एसीटोन. ठीक है, सुनो सुनो सर. इधर इसका बनेगा क्या? अब इसके बाद अल्फा एच ही नहीं है, कोई टोटोमेरिजम नहीं होगा. इसके कहाँ है? Me3 अच्छा सी बोल गया हम. Me3 सी है ना? अब ऐसे बेटा Me3 कहाँ लगाओगे? इसमें होगा बेटा, इसमें होगा. देखो इधर अल्फा एच है, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? PH C यहाँ पे आ जाएगा OH डबल बॉन्ड CH2. समझ आ रहा है क्या? कोई दिक्कत किसी को? कैसे बनाया इसका मतलब बेटा? इसमें दोनों तरफ CH3 है, किसी को लेके पार्टिसिपेट करा सकते हैं बेटा. तो क्या बना लेंगे? CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3. इसके केस में होगा क्या? अल्फा एच है, इसके केस में अल्फा एच नहीं है. इसके केस में होगा क्या? अल्फा एच है. देखो यहाँ पे दो दो एच है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा,
देखो फिनॉल बना दिए। अब यहाँ पे ये कैसा आ जाता है, इनॉल कंटेंट 100%, कीटो फॉर्म कैसा हो गया 0%, इसीलिए पढ़ा रहे थे एरोमेटिसिटी की वजह से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत इसको समझने में? क्लियर है सब? इसमें क्या होगा बेटा, यहाँ पे है अल्फा एच, देखो इसके पास है एक एच, इसके पास एक एच है, sp3 है ना वैसे भी है, थोड़ा क्या होगा पीएच सी ओएच डबल बॉन्ड ऐसा कुछ है ना। इसमें होगा क्या, इसके पास एच है अल्फा, देखो यहाँ होगा, लेकिन कार्बन कैसा है ब्रिजाइड, ब्रिजाइड पे डबल बॉन्ड बना सकते हैं क्या, नो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन एट ब्रिजाइड है ना, ब्रिजाइड पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकता, पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, रेजोनेंस नहीं हो सकता, ये सब बातें लिख दिया ना हम लोग, सब नहीं कर सकते ना, है ना, तो हाइपर कॉन्फिगरेशन भी यहाँ नहीं होता था, कुछ नहीं होता यहाँ ब्रिजाइड में, बट यहाँ पे कुछ नहीं होगा, समझा रहे, थोड़ा याद रखना इसको। इसमें बताओ आठवें वाले क्या बनेगा, होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे एच है, ऐसा तो क्या बना देगा बेटा, कितने मेंबर करेंगे, चार का, यहाँ बॉन्ड इधर क्या आ जाएगा, एक ऐसा बन गया बेटा 0 near 100%, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो लिख दिए, ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये हो गया बेटा कितना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसमें बताओ बेटा इसमें होगा कि नहीं होगा, नाइन्थ वाले लिखते जा रहे हो नहीं लिखते जा रहे हो, हो जाएगा, यहाँ पे एच है देखो, यहाँ पे है तो बेटा क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा वो एच, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, इट इज एरोमेटिक विद 2π इलेक्ट्रॉन्स, एरोमेटिक है या नहीं है, डबल बॉन्ड को तोड़ो पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड को तोड़ो पॉजिटिव चार्ज, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन विद 2π इलेक्ट्रॉन्स, कैसा कंटेंट, नियरली 100%, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसा बनेगा बेटा, इसको बनाओगे तो देखो इसके यहाँ अल्फा है, इसके लिए यहाँ अल्फा है, इसके लिए तीनों का होगा, यहाँ कि ना, देखो ऐसा बनता है, यहाँ हुआ बेटा तीनों का हो जाएगा ना, अरे आर एच का है, तीनों टोटोमराइज करेंगे कि नहीं करेंगे, ये टोटोमराइज कर सकता है कि नहीं, ये कर सकता है कि नहीं, ये कर सकता है कि नहीं, वही तो बनाया हम, और कैसे होगा, अरे एक बार से क्या मतलब, तीन टूट जाएगा, तीन बना लेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा ना, ये रिएक्शन है बेटा, ये चल रहा है रिएक्शन, ये रेजोनेंस नहीं हो रहा, सुनो पहले सुनो, ये बनेगा ना बेटा, लेकिन बेटा ये जो होता है वो कैसा होता है, ये नियरली 0%, और ये होता है 100%, ठीक है ना। देखो सबसे पहली बात इसको याद रखना, क्योंकि लगेगा कुछ और, ठीक है ना, रीजन क्या है बेटा, इसका बॉन्ड एनर्जी कैसा होता है, ज्यादा होता है, इसी रीजन हाई बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना, और थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट है, अगर इसको तोड़ेंगे तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है, इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए होता है, इस वजह से ज्यादा स्टेबल, हम लोग दिए थे NOH का बॉन्ड एनर्जी कैसा होता है, ज्यादा रहता है, इस वजह से वो मेजर प्रोडक्ट मिलता था, यहाँ ये मेजर प्रोडक्ट होता है वो माइनर होता है, NOH बॉन्ड लिखे थे ना, तो NOH वाले को हम लोग मेजर लिखे थे इस वजह से, ठीक है ना। तो इसमें बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा, देखो यहाँ एच है तो इसका दूसरा प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा, ऐसा कुछ डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड हुआ, इससे बन सकता है कि नहीं बन सकता, इससे बन सकता है, यहाँ पे एच है और हाँ कि ना, क्या होगा बेटा, देखो एन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड ओएच और सिंगल बॉन्ड ओएच है ना, इसमें बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा, देखो इसमें तुम्हारे पास ये एच और ये एच है, कौन से वाले एच को पार्टिसिपेट करा है, ऊपर वाले में
क्यों होगा? ज्यादा होगा, 100% नहीं, ज्यादा मेजर प्रोडक्ट NOH बॉन्ड का एंथैल्पी। अभी हम लोग बताएंगे कौन ज्यादा होता है कौन कम होता है, इसकी बातें हम लोग करेंगे। पहले बताओ बेटा CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH2 CH3 बताओ, इसमें कौन से वाले को निकालें, इससे निकालें या इससे निकालें? अगर इससे निकालेंगे तो ये कौन सा वाला इफेक्ट लगाएगा? प्लस साइड, तो इसको कम स्टेबल कर देगा। तो ये देगा ना आसानी से, अरे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो ज्यादा आसानी दे देता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत है ना? तो बेटा यहाँ क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है ना? बाकी हम लोग इसकी और बात करेंगे। हाँ सर बेटा, अभी तक तुम लोग कौन से वाले एच को निकाल रहे हो? कौन से वाले एच के निकलने का टेंडेंसी ज्यादा है? कौन सा वाला एच निकलेगा तो ज्यादा एसिडिक एच होगा? आया ना, एच प्लस निकाल रहे हो ना, तो दोनों में से कौन सा वाला ज्यादा एसिडिक एच है बताओ? ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, कम कर देगा एसिडिक नेचर को, तो ये ज्यादा एसिडिक हो गया ना इस वजह से, ठीक है? इसमें बताओ इन दोनों में से कौन सा वाला निकलेगा बेटा? इनमें ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा? हाँ के ना, दोनों तरफ बगल में CO ग्रुप लगा है, दिस इज मोर एसिडिक एच, ये निकलेगा, ये निकलेगा तो बेटा क्या बनेगा? बट ये प्रोडक्ट कैसा हो गया? माइनर। और ये कैसा हो गया? मेजर। सोन में आ रहे थे क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? CH3 C, यहाँ आ जाएगा OH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? Yes, इसको ठीक से देखो तो ऐसा दिखता है, CH3 C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C। यहाँ पे क्या लगा बेटा? सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और क्या कर लेगा इसके साथ में? H बॉन्डिंग। समझ आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या कर रहे थे बेटा इसके साथ में? एच बॉन्डिंग। कैसा दिख रहा है? सिक्स मेंबर टाइप रिंग। क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे? चिलेशन या इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग हो रहा है कि नहीं? एच बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए तुम लोगों को, ये बताओ? एच बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन चाहिए जिससे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, ऑक्सीजन चाहिए जिससे पार्शियल नेगेटिव हो, सब मिल रहा है ना बेटा? इसमें इस वाले कंटेंट कैसा होता है? नियरली 100% मेजर। ये बताया था ना ये बात? अभी कहाँ बताया? अभी तो सही बताया ना, ऊपर वाले को लिखे, इसको थोड़ी लिखे। एक्चुअल मतलब रजोनेंस थोड़ी है, ये दोनों एक्चुअल स्ट्रक्चर है। उन दोनों में इसमें कोई अंतर है क्या? तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, बताओ फिर क्या कह रहे हो? वो दिखा दिया क्या एच बॉन्डिंग हो रहा है उसमें? दिखेगा क्या तुम्हें ऐसा? ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर। हाँ क्या कह रहे हो? क्योंकि पड़ोस में सी डबल बॉन्ड ग्रुप लगा हुआ है, वो स्टेबलाइज करेगा उसको। आयन स्टेबल होगा तो ही तो प्रोटॉन देगा, क्यों उल्टी बातें करते हो तुम? आयन ऐसे भी स्टेबल होता है। कौन देता है? जो स्टेबल होता है, जिसका आयन स्टेबल होता है। अच्छा क्या कह रहे हो तुम? 11-12 रह गया है, लिखो तुम। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, लिखने दो पहले, बातें कम किया करो। इसका रहेगा तो 14 लिखो। 11-12 तो ओपन कर रखा था अब तक, तो क्यों नहीं लिखा फिर? वो इतना टाइम लगता है इनको लिखने में? Yeah.
ये तो तुमने पहले लिख लिया होगा, उसमें कर क्या रहे हैं हम लोग, कुछ नया तो नहीं कर रहे ना। लिखो मैकेनिज्म ऑफ ऑटोमोबाइल। मैकेनिज्म का मतलब समझते हो? लिखो मैकेनिज्म ऑफ ऑटोमेरिक प्रोसेस। लिखो बेटा मैकेनिज्म ऑफ ऑटोमेरिक प्रोसेस। ठीक है, देखो बेटा मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, जो भी तुम लोग लिखना चाहो, समझ में आ रहा ना? ऑटोमराइजेशन की बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिक लिखो, ऑटोमराइजेशन लिखो, तुम्हारी मर्जी से लिखना। ठीक है ना, सुनो द मैकेनिज्म का मतलब होता है, जैसे तुम लोगों को रिएक्शन पढ़ा था, एक एलिमेंट्री, एक कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का स्टेप टू स्टेप स्टडी को मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये बात करेंगे कि बनता कैसे, एक्चुअल में क्या हो रहा है जो टोटोमर बनता है। ठीक है ना, टोटोमराइजेशन बेटा दो तरीके से होता है, या तो एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में। ठीक है ना, तो पहले हम लोग बातें करेंगे कौन से वाले मीडियम में। अगर एल्कलाइन मीडियम में हम लोग मैकेनिज्म पर हैं, एल्कलाइन मीडियम सही से सुनना, बाद में लिखा करना। ठीक है, एल्कलाइन मीडियम यानी हम लोग बात कर सकते हैं बेसिक मीडियम में। एल्कलाइन मतलब बेसिक ही होता है कि नहीं होता? एल्कलाइन का मतलब कैसा रहता है? बेसिक मीडियम। ठीक है, तो तुम लोगों को समझ आ रहा है सभी को जो ऑनलाइन है? नहीं आ रहा कुछ समझ? माधव, मानसी, दिव्यांशी, कीर्ति। ठीक है बेटा, क्या होगा, हम लोग पहले बात करेंगे अल्कलाइन मीडियम में कैसे होता है रिएक्शन। ठीक है, हम लोगों के पास में क्या होगा, CH3CHO मैकेनिज्म हो रहा है, मतलब अल्कलाइन मतलब OH और वाटर होगा, OH माइनस ज्यादा होगा ना। अरे हाँ या ना, अल्कलाइन मीडियम कैसे प्रोवाइड किए उसका जरूरत नहीं है, बहुत सारे तरीके से प्रोवाइड किया जा सकता है, लेकिन बात यह है कि अल्कलाइन मीडियम का मतलब OH नेगेटिव आयन होगा। OH नेगेटिव आयन होगा तो किससे जाकर रिएक्शन करेगा बेटा? सी, यहाँ पे एक एच है, यहाँ पे एक एच है बेटा, यहाँ पे एक एच, क्या होगा? सी डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड एच। ठीक है ना, ये OH नेगेटिव क्या करता है बेटा, किसी भी एक एच से जाके रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, कैसे रिएक्शन करेगा? एक एच से जाके, लिखो मत कुछ ही, सुनते रहो बस। ठीक है, कैसे जाके रिएक्शन कर लेगा? एक एच से जाके रिएक्शन कर लेगा। जब एच से जाके रिएक्शन करेगा तो ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा बेटा? कार्बन की तरफ। बॉन्ड हमेशा किसकी तरफ टूटता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। किसी का तोड़ोगे? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो बॉन्ड तोड़ोगे जब, सुनो पहले, बॉन्ड को तोड़ने के दो तरीके होते हैं, एक ए और ए का बीच का बॉन्ड है बेटा, है ना? इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बनाया, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक एक इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो क्या बनेगा बेटा? ए रेडिकल बनता है। क्या बनता है? ए रेडिकल। ऐसे वाले फिजन को हम लोग होमोलिटिक फिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोलिटिक। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? होमोलिटिक फिजन बोलते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? होमोलिटिक फिजन कब होगा? जब बात करेंगे हम लोग, अभी उसको डिस्कशन करने का टाइम नहीं है, जीओसी 2 वाला पार्ट जब आएगा तो हम डिस्कस करेंगे इनसे। ठीक है ना, हेटरोलिटिक फिजन का होता है बेटा, ए और बी का, ए और ए का बीच का बॉन्ड मान लेते हैं, अगर इनमें से एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन को लेके कोई एक चला जाए, इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, तो बेटा हेटरोलिटिक होगा तो ए प्लस और ए माइनस बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन कौन ले गया बेटा? ए ले गया, है ना? मतलब कोवेलेंट बॉन्ड मतलब एक बिजनेस स्टार्ट करने जैसा होता है, तो लोगों ने मिलके क्या किया, एक शेयरिंग किया और बिजनेस स्टार्ट कर लिया। और जब बिजनेस टूटेगा तो दो बातें हो सकती है, एक बेईमानी कर सकता है अगर दोनों बराबरी का लेके जा सकते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और दोनों का बराबरी का लेके जाना बेटा डिपेंड करता है कि जो जिस दिन सेपरेशन का टाइम आया वहां पे कौन कौन लोग प्रेजेंट है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मीडियम पे भी डिपेंड करता है, जो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं उन पर डिपेंड करता है बॉन्ड का टूटना, कि होमोलिटिक होगा कि हेटरोलिटिक होगा। जो Cl2 का बॉन्ड Cl रेडिकल टूटता है वो AlCl3 की प्लस में Cl प्लस Cl माइनस बन जाता है, तो वो चीजें तुम लोग सीखोगे अभी, उनको सीखने में जियो सी वाला पार्ट एक्चुअल में वही से स्टार्ट होता है फिजन से आगे की कहानी। इन जनरल बॉन्ड किधर तोड़ेंगे? मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम की तरफ, तो सी इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा इधर से, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सी इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा, क्या बनेगा बेटा? क्या बनेगा बेटा? सी कितना एच इसके पास में? दो,
यहाँ पे चार्ज कैसा नेगेटिव सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा अरे हाँ या ना साथ में क्या टूट गया बेटा वाटर ठीक है अब कार्बन तो इस नेगेटिव चार्ज को लेके बहुत परेशान है बेटा बोलेगा ऑप्शन से भाई ले ले कैसे भी तो बेटा उसने इसको दिया और काम चलाया कुछ ऐसे ही बनेगा ना अब वो माइनस ने बेटा किसको देखा वाटर को इसने इसको अटैक मार दिया कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है बॉन्ड बॉन्डिंग क्यों करेगा बट ये कहाँ टूट जाएगा सॉन्ग आ रहा है क्या बोल रहा हूँ तो क्या बना देखो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड OH इनका इधर से यहां तक बनने का प्रोसेस समझ में आया कैसे बनता है तो एक्टिवेट इज नॉट अ रेजोनेंस समझ आ रहा है कि नहीं यार एक रिएक्शन हो रहा है क्या हो रहा है किसने बोला था ऐसा मुझे बताओ तुमसे किसने बोला कि ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाए हमने तो नहीं बोला कभी ज्यादा ही अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है मतलब क्या कह रहे हो तो ले नहीं सकता फिर एच लिख लो बेटा लिख लो चलो लिखो आराम से लिखो इसको समझ आ रहा है क्या किया है ऊपर कुछ नहीं लिखा इसमें लिखो इसको शांति से लिखो ठीक है सर लिख दो इसको ठीक है सर उसने पहले पानी को एच दिया और फिर वापस मीडियम प्रोवाइड कर रहा है बट इसी को कैटलिस्ट बोलते हैं कैटलिस्ट क्या करता है रिएक्शन में केमिकली पार्टिसिपेट करता है फिजिकली नहीं तो केमिकली गड़बड़ करके आ गया लौट के समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा ऐसा नहीं है कि हम लोग OH- यूज नहीं करते तो रिएक्शन नहीं होता होता रिएक्शन क्या होता फिर भी होता रिएक्शन तो कैसे होगा भी बता नहीं गए लेकिन रिएक्शन स्लो होता ठीक है ना मतलब ये एक्चुअल में कोई भी कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन को उसी रिएक्शन को कराता है जो अपनी मर्जी से होता है चलो तुम लोगों को पता है लिख लिए ये तो अल्कलाइन मीडियम समझ में आया तुम लोगों को लिखो दूसरा एसिडिक मीडियम बेटा सबसे अच्छी बात यह है कि जो ये पहला स्टेप होता है सुनो बेटा देखो ये जो स्टेप होता है ये आरडीएस ऑफ द रिएक्शन होता है आरडीएस समझ तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोल गए आरडीएस मतलब ये कैसा स्टेप होता है बेटा स्लो स्टेप ठीक है ना कार्बन आयन का बनना इस रिएक्शन का स्लो स्टेप है ठीक है ना जिस स्टेप में कार्बन आयन बन रहा है वो स्लो स्टेप होते हैं ठीक है तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी इस रिएक्शन का इस चीज का रेट किस पे डिपेंड करेगा इस अनायन के स्टेबिलिटी पे ज्यादा स्टेबल अनायन ज्यादा इनोल कंटेंट कौन सा वाला स्टेप ये वाला पहला स्टेप यहाँ से ये बनना दूसरा स्टेप ये तीसरा स्टेप ये तो फिर इसी ये इन रिएक्शन का सबसे स्लो स्टेप ये होता है अगर अनायन बना अनस्टेबल तो वापस लौट के इसी को दे देगा ना समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोगों को बेटा केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाना अरे वो स्टेबल है
लिख लो लिख लो टेंथ वाला कॉन्सेप्ट टेंथ में छोड़ के आ जाओ सबसे पहली बात सुन लो मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कोई भी रिएक्शन को करने के लिए हर किसी चीज को इवन स्टेबल कंपाउंड से अनस्टेबल स्टेट में जाते हैं समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ये वाले कंपाउंड से ये वाला कंपाउंड कैसा है कम स्टेबल फिर भी बना ना तो दिमाग मत लगाओ स्टेबिलिटी में अभी जो बोल रहे हैं उतना सुनो इससे ये कम स्टेबल है कि नहीं है बना के नहीं बना बना और बनेगा समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ जितना बोल रहे हैं उतना सुनो ठीक है यार इस कंपाउंड का स्टेबिलिटी कंपेयर करते रह जाओगे कभी नहीं आगे कुछ पर होगा फिर तुम्हारा कैसे बन रहा है ना ये बन रहा है जो बोल रहे हैं उसको सुनो बेटा इसका यहां तक कन्वर्ट होना देखिए इस कंपाउंड का यहां तक कन्वर्ट होना किस पर डिपेंड कर रहा है इस आयन के बनने पे ये सबसे स्लो स्टेप होता है इस रिएक्शन का कैसा होता है सबसे स्लो स्टेप इस रिएक्शन का ये है कैसे पता चला कैसे पता चलता है स्टेप का स्लो होता है लिखे थे बेटा एक्सपेरिमेंटली हम थोड़ी देख के बताएंगे रिएक्शन कैसे स्लो हो रहा है फास्ट हो रहा है कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा ठीक है फोन आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ तो ये अनायन के बनने पे इस रिएक्शन का होना डिपेंड करेगा ना अगर सोचो कि अनायन ज्यादा स्टेबल बनता है रिलेटिवली ऐसा नहीं कि इससे ज्यादा स्टेबल अनायन बनेगा तभी वो बनेगा क्या मैं इससे ज्यादा स्टेबल की बोल रहा हूँ अनायन की रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ अनायन के रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ मान लो ए अनायन बना मान लो बी अनायन बना बी अनायन कैसा है ज्यादा स्टेबल तो ये वाला कंटेंट ज्यादा बनेगा क्या इससे ये वाला अनायन कभी ज्यादा स्टेबल हो सकता है रिएक्शन तो हो रहा है ना होगा तो स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट मत लगाओ मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो बस ठीक है ना अगर ऐसे कॉन्सेप्ट लगाओ तो दुनिया को कोई रिएक्शन नहीं होता फिर यहाँ तक आते हो कि नहीं रास्ते में एक्सीडेंट का डर है कि नहीं रास्ते में रोड पे आओगे तो हो सकता है ना कुछ रुक जाए डर नहीं है आते हो ना आते सुनो पहले इतना समझ में आ रहा है निकोन बेसिक एसिडिक मीडियम किसी भी रिएक्शन का होना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फाइनल स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है सिर्फ और बीच में क्या बन रहा है वो सब कहानी मतलब अगर हम लोग जो बातें कर रहे थे इनऑल कंटेंट बनना था समझा रहे कि नहीं आ रहा और एक कीटो कंटेंट है उन दोनों का आपस में रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या है बीच में जो बनेगा तो इंटरमीडिएट्स होते हैं और इंटरमीडिएट जो होते हैं वो अनस्टेबल ही सर आवाज सुन आ रहा है इंटरमीडिएट बनते हैं और फिर बिगड़ते हैं बेटा बनेगा फिर कुछ ना कुछ और बना देगा ठीक है ना वाला एसिडिक मीडियम में अगर हम लोग ये रिएक्शन करवाए होते एसिडिक मीडियम का मतलब क्या होगा हम लोगों के पास CH3CHO हम लोग किससे डील करेंगे बेटा H+ और वाटर के साथ में ना एसिडिक मीडियम एसिडिक मीडियम में क्या होगा देखो CH3C डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच ऐसे अब यहाँ पे H+ से रिएक्शन कौन करने वाला है इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा यहाँ के ना जैसे H+ देखा अटैक कर देगा क्या बनेगा बेटा CH3C डबल बॉन्ड ओ एच यहाँ कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव किसका आया किस पे पॉजिटिव बेटा किस पे पॉजिटिव आया ऑक्सीजन पे आ जाएगा समझ आ रहा है क्यों आया वो क्लियर है कोई समस्या लिखो कार्बन से
अब क्या होगा बेटा, कार्बन से बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्या बनेगा बेटा CH3 C। यहाँ पे क्या होगा बेटा OH2, यहाँ पे कैसा आएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है OH2 के OH या प्लस, ठीक है ना बेटा। फाइनल रिएक्शन में इसके बाद में कौन रिएक्शन करता है बेटा, वाटर। वाटर कैसे काम करता है, वाटर एक्ट एज अ बेस, कैसे काम करता है बेटा बेस की जगह। इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा बेटा, इस पे जो एच है पड़ोस वाले का कार्बन पे उसका अटैक कर देगा। कौन करेगा एसिड करेगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या करेगा बेटा, इस एच पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा ना। तो क्या बनेगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड H, प्लस क्या निकल जाएगा H3O+, ठीक है ये कॉपी करो। लिख दिया इतना, चल थोड़ा सा इसको समझते हैं। हो गया कॉपी, इतना हुआ। चलो एक कंपाउंड लिखो, उसका हम लोग टोटोमर बनाएंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास में क्या है बेटा, ऐसा कुछ देखो, यहाँ पे एल्किन बनेगा ना, यहाँ पे क्या बनेगा एल्किन, ठीक है। अब एल्किन बनने के लिए कौन से वाले एच पे अटैक करेगा वाटर, वो देखेंगे हम लोग, उसको ठीक से समझना तुमको। देखिए जी, वो तो क्या है कि हम लोगों के पास ऐसा मान लेते हैं, हम लोगों के पास में क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, बिना लिखे बस सुनना ठीक है। इसको अगर मैं अल्कलाइन मीडियम में लेके जाऊं OH माइनस और वाटर के साथ में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C, है ना। सिंगल बॉन्ड क्या आएगा बेटा OH, यहाँ पे क्या रहेगा CH2 CH3, ये प्रोडक्ट बन सकता है। और क्या बन सकता है बेटा CH3 C, यहाँ पे OH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, दोनों बन सकता है। ये वाला अल्फा एच है, ये वाला अल्फा एच है, लेकिन OH माइनस कहाँ अटैक करेगा बेटा, OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, मोर एसिडिक एच पे, किस पे अटैक करेगा मोर एसिडिक एच पे अटैक करेगा, ज्यादा एसिडिक एच पे अटैक करेगा। तो ये वाला प्रोडक्ट कैसा होगा बेटा, ये होगा मेजर प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट कैसा होगा माइनस, मैं बोलूंगा उसको ठीक से सुनना, ठीक है बेटा। देखो अगर मैं इसी रिएक्शन को ऐसा कराया हो CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, यहाँ पे क्या करो बेटा H प्लस और वाटर से कराओ, ठीक है कैसे कराओ H प्लस और वाटर के बीच में रिएक्शन, तो क्या बनेगा बेटा, ये तो यही बनेगा जो देखे, दोनों ही प्रोडक्ट सेम बनेगा ना, यहाँ पे OH CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस, दूसरा क्या बनेगा बेटा, दूसरा बनेगा CH3 C, यहाँ पे क्या आएगा OH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है ना। देखो अगर हम लोग एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं, कौन से मीडियम में एसिडिक, मोर स्टेबल प्रोडक्ट कौन होता है बेटा, मेजर प्रोडक्ट कौन होता है, देखो बेटा मेजर प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल एल्कीन, क्या होता है प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल एल्कीन, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या होता है बेटा, जो मोर स्टेबल एल्कीन होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, पता रहेगा कुछ इसको,
एसिडिक मीडियम में कौन सा वाला प्रोडक्ट मेजर होता है? जो एल्कीन कैसा होगा, ज्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए दो, ये दो एल्कीन बनाए, एक तो ये एल्कीन है, एक ये एल्कीन। कौन सा ज्यादा स्टेबल है? इसका सल्फाइज कितना है बेटा? छः। इसका अल्फाइज कितना है? दो। पांच का दिख रहा है तुम? इसके पास कितना है बेटा? दो। तो ये प्रोडक्ट कैसा होगा? ये मेजर होगा। और ये कैसा होगा बेटा? माइनर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई समस्या नहीं है? देखो सुनो फिर एक बात और, दोनों में अलग अलग मिल रहा है बेटा। अगर मैं बेसिक मीडियम की बात करूं तो बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में मेजर प्रोडक्ट कौन सा वाला होता है? मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम मोर एसिडिक एच। किससे मिलता है बेटा? कहां से मिलेगा? ज्यादा एसिडिक एच से मिलेगा। वो एच माइनस कहां पर जाकर अटैक करेगा? जो एच कैसा होगा, ज्यादा एसिडिक होगा, उस पर जाकर अटैक करेगा। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा वाला मिलेगा बेटा? ज्यादा एसिडिक एच से मिलता है। तो दोनों का मेजर प्रोडक्ट अलग अलग। समझ आ रहा है कि नहीं? एक बात और सुनो, देखो बेटा, जो मोर एसिडिक एच से प्रोडक्ट मिलता है, हम लोगों को मोर एसिडिक एच से प्रोडक्ट मिला, मिला कि नहीं मिला? और एक प्रोडक्ट हम लोगों को मिला स्टेबल। अगर ऊपर वाले में भी हम लोग बात करें तो स्टेबल कौन सा वाला है? दूसरा वाला, जिसको हम लोग माइनर देखें। बेसिक मीडियम में कौन ज्यादा स्टेबल है? स्टेबल तो ये ज्यादा है ना, ये कम स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल। लेकिन इसको क्यों बनाया हम? क्योंकि रिएक्शन कहता है कि यही बनेगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहता है। ये किसके अकॉर्डिंग बनाया हम लोग? आरडीएस के अकॉर्डिंग। आरडीएस मतलब रेट के अकॉर्डिंग बनाया ना। इसके बनने का रेट कैसा होगा? ज्यादा हो, कम स्टेबल है वो। इसके बनने का रेट कैसा होगा? ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो एच माइनस जो होगा वो उस एच पे जाके अटैक करेगा, जो कैसा होता है, ज्यादा एसिडिक एच होता है। और ज्यादा एसिडिक एच को निकालने पर जो एल्कीन वाला प्रोडक्ट बनेगा इनॉल फॉर्म, वो लेस स्टेबल। गलत इसने लिखा बेटा, सुन नहीं रहता। वही बता रहे बेटा, सुन नहीं रहता, थोड़ा सुनो पे तो आएगा। इसलिए बोल रहे लिखना एकदम बंद कर सके। सुनो अभी क्या बोल रहा हूँ मैं, बेसिक मीडियम में जो ज्यादा स्टेबल होता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है। एसिडिक मीडियम में जो ज्यादा स्टेबल होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। इसलिए इसको बार बार लिख रहे हैं, इसको लिख रहे क्यों बन रहा है? क्योंकि आरडीएस यही है, ये मेजर क्यों है? क्यों बोल रहे हैं इसको मेजर हम लोग? क्योंकि आरडीएस से बना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से बना, जल्दी बनेगा, रेट ज्यादा है इसका बनने का। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए सर, दो बातें होती है। प्रोडक्ट जो होते हैं वो दो तरीके से क्लासिफाई करता है, एक टीसीपी और एक केसीपी। ठीक से सुनना, टीसीपी होता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। टीसीपी प्रोडक्ट मतलब थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। कौन मारे में क्या बोल रहा हूँ? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टीसीपी बोलते हैं। ठीक है, टीसीपी कौन होता है बेटा? जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो होता है टीसीपी। कौन होता है? जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो टीसीपी होता है। समझ आ रहा है? मोर स्टेबल कौन होगा वो तुम जानते हो। तो एल्कीन बनाए, दोनों का स्टेबिलिटी को तुम लोग कंपेयर कर सकते हो। एल्कीन का स्टेबिलिटी कंपेयर करना तुम लोगों को आता है? आता है कि नहीं आता? आता है ना। देखो, केसीपी होता है काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कौन होता है बेटा? रेट डिपेंडेंट। किस पर डिपेंड करता है? यहाँ या ना? तो बेसिक मीडियम में रेट डिपेंडेंट प्रोडक्ट बनता है, एसिडिक मीडियम में स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। समझ आ रहा है कि नहीं है? ठीक से सुनना भी जो मैं बोलूं। मेरे पास में क्या था बेटा? CH3, सी डबल बॉन्ड ओ, CH2CH3। तो एक्चुअल में अगर लोग टोटोमर की बात करें, क्या होगा बेटा? टोटोमराइजेशन होता है ना,
अगर टोटोमर होगा तो जो टीसीपी होता है टीसीपी वो ऑलवेज मेजर होता है, मतलब सब बकवास कर दिए हम लोग जो बोले थे, नहीं आ रहा कुछ जब तो सब पढ़ाए थे वो सब बेकार हो गए। अभी तो बोल रहे थे कि कौन मेजर कौन माइनर, अभी बोल रहे कि सिर्फ टीसीपी मेजर होता है। क्या होता है बेटा हमेशा टीसीपी इज मेजर, वेदर एसिडिक वेदर बेसिक। अभी तक एक्चुअल बात बताए थे जो बता रहे थे, ठीक है ना, रिएक्शन हुआ तुरंत देखने लगे। तो बेसिक मीडियम में टीसीपी कैसा होगा माइनर मोर स्टेबल, और केसीपी कैसा होगा मेजर लेस स्टेबल। बेसिक एसिडिक में उल्टा हो गया, बेसिक में जो मैं बोल रहा था अभी, बेसिक में जो मोर स्टेबल होता है वो माइनर रहता है, रिएक्शन में तुरंत देखने लगे। रिएक्शन हो गया 10 मिनट बाद वापस आए उल्टा मिलेगा, रिएक्शन हो गया कितने बाद लौट के आए 10 मिनट बाद लौट के आ गए, थोड़ा टाइम बाद लौट के आए। जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है वही मेजर मिलता है हमेशा। टीसीपी इज ऑलवेज मेजर इन टोटोमेरिज। समझा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, टीसीपी मेजर क्यों होता है। मान लो ये रिएक्शन हुआ, दो प्रोडक्ट बने, क्या बने बेटा दो प्रोडक्ट, क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड सी ओ एच CH2CH3, एक ये बनेगा हाँ या ना। मान लेते बेसिक मीडियम में चल रहा है ओ एच माइनस और वाटर, बट यहाँ पे क्या बनेगा CH3C, यहाँ पे ओ एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड CH3, ये इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे। इसका अपना के इक्विलिब्रियम वन होगा बेटा, इसका कैसा होगा बेटा, बट एक्चुअल में क्या होता है के इक्विलिब्रियम टू जो होता है दैट इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम वन, क्योंकि मेजर है ना बेटा। ये कैसा मोर स्टेबल है, क्योंकि रेट ज्यादा होता है तो ये ज्यादा बनता है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन खत्म हो जाएगा ये वापस इधर कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, इसी में मोर स्टेबल में कन्वर्ट होगा ना। पर रेट ज्यादा है, रेट ज्यादा तो ये बन गया ज्यादा, लेकिन जैसे रिएक्शन खत्म होगा क्या करते हैं वापस इधर कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते। तो अगर तुमसे पूछे मेजर प्रोडक्ट क्या, एक्चुअल बात है मैं तुम लोगों को बताया कि एक्चुअल में कौन ज्यादा होते हैं कैसा रहते हैं, लेकिन जब रिएक्शन खत्म हो जाते हैं तो जो केसीपी होता है वो हमेशा किसमें कन्वर्ट हो जाता है टीसीपी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, इसका इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट काफी ज्यादा होता है, इससे मोर स्टेबल है ना, ज्यादा होगा इसका इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट, ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा तो क्या होता है बेटा इधर कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से हमेशा वेदर एसिडिक मीडियम वेदर बेसिक मीडियम आप लोग एक ही बात याद रखो, ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा, जो कम स्टेबल वो कम बनता है। समझ आया कुछ क्या बोला मैंने, एक बार लिखो, लिखते लिखते थोड़ा बहुत कुछ और दिमाग में आएगा, तो पहले यहाँ से लिखोगे ना उसके बाद में लिखो। आरडीएस जो होता है बड़ा स्लो स्टेप तुम लोग एक्सपेरिमेंटली ही बता सकते हैं ना, तो हम बताएंगे यहाँ रिएक्शन में कहाँ आरडीएस है, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करके। अभी पहला मैकेनिज्म लिखा ना जिंदगी का तुम्हारे का, इससे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ये तुम्हें मैकेनिज्म भी लग रहा है तुम्हें दिखेगा कि ये तो कुछ नहीं था, हम तो मैकेनिज्म ही पढ़ेंगे। अभी तुम लोगों ने मैकेनिज्म पढ़ा नहीं है ना, ये ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा थर्ड रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखा जाए पूरा ऑर्गेनिक। ठीक है ना, ये बेसिक मीडियम का हो गया, ये एसिडिक मीडियम का कहानी हो गई। ये एसिडिक मीडियम में मेजर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है, बेसिक में मेजर प्रोडक्ट वो होता है जो किससे बनता है बेटा मोर एसिडिक एसिड से बनता है, लेकिन फिर क्या होता है बाद में वापस ट्रांसफर, तो हमेशा टीसीपी ही मेजर मिलता है। ठीक है लिख दिए इसमें, हाँ टोटोमर पढ़ाए तो टोटोमर सुनो, जब कुछ और आएगा तो बताएंगे, उसकी वो टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है। वैसे टोटोमर हम लोग नॉर्मल कंडीशन में करा रहे हैं, इसको भी टेम्परेचर अलग पे कराएं तो दिक्कत हो जाएगी, इसको लो टेम्परेचर पे कराएंगे तो फिर किसी भी ही मेजर मिलेगा, माइनस में जाके फिर टेम्परेचर पे करा दें तो। एक्चुअल
एक्चुअल में ये जो पीछे हो रहा था रेजोनेंस में वो इंट्रा मॉलिकुलर प्रोसेस होता था, ये ऐसा इंट्रा मॉलिकुलर प्रोसेस नहीं है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ऐसा इंट्रा मॉलिकुलर प्रोसेस नहीं है या इंटर मॉलिकुलर प्रोसेस है, मीडियम वगैरह पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल आके रिएक्शन करेगा तब जाके हो रहा है। हाँ वो तो मोलेक्युलर प्रोडक्ट बनता है बिल्कुल, मिलते हैं पहले केसी मिलते हैं टीसीपी में कन्वर्ट होता है, बेसिक में पहले क्या मिलता है केसीपी, वापस वो टीसीपी में कन्वर्ट होता है और फाइनली हम लोगों को मोर स्टेबल कंपाउंड मिल जाए उसी का कंटेंट ज्यादा रहे। स्टेबल तो बेटे स्टेबिलिटी का तो एक अलग तरीका ना बताने का, तो स्टेबल तो तुम पता ही सकते हो कौन ज्यादा है, हम बता रहे कौन ज्यादा बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं। लिख लिए सब, ये कॉपी करो टीसीपी केसीपी लिख लिया ना, ये तो लिख ही लोगे, वो भी लिखना है अभी देखो। मोर स्टेबल प्रोडक्ट है केसी पे रिएक्ट करके डिसाइड करो क्या हो गया बेटा जरा लिखो। बिल्कुल काइनेटिक लिखा ना, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट आरडीएस पर डिपेंड करेगा। अच्छा ये बताइए आपने केसी में उसका मैकेनिज्म कराया था, वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन करेंगे तो मैकेनिज्म मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उसके इधर भी कुछ लिखा है क्या सर? मेजर वाले में जो पहले बन रहा है जो मेजर है वो मेजर इसलिए क्योंकि वो आरडीएस से बन रहा है। आरडीएस वाला मेजर प्रोडक्ट किसमें होता है? बेसिक मीडियम। एसिडिक वाले में उसमें स्टेबल प्रोडक्ट बनता है बेटा, कार्बो का टाइम बनता है। एक टाइम पे कार्बन का पॉजिटिव आ रहा है ना उसमें, कार्बो का टाइम बनता है। ये तुम जानते हो डीप्रोटोनेशन कहाँ से कराते हैं? इन लोगों को तो नहीं आता, कहाँ से कराते हैं? कौन सा एल्किन बनाओगे? शर्ट जब बनाओगे ना तुमने जैसे बहुत सारे रिएक्शन पढ़े हैं, यहाँ पर डीप्रोटोनेशन कैसे करा जाते हैं वो और तो इन जनरल वही से निकालते हैं जिसके पास का मैच होता है। ऐसा एल्किन बनाएंगे जो ज्यादा अल्फा एस से सराउंडेड होगा, ज्यादा अल्फा एल ग्रुप से सराउंडेड होगा। हो गया इतना बेटा?
नेक्स्ट लिखो स्पेस टोटोमराइजेशन, स्पेस टोटोमर, इसके आगे बेटा कुछ नहीं लिखा है, लिखो स्पेस टोटोमर्स, स्पेस एस पी ए सी स्पेस टोटोमर्स, ठीक है ना। एक बात और सुन लो पहले, स्पेस टोटोमर से पहले मैं बोल रहा था कि हम लोग अगर बेटा कुछ मीडियम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो भी रिएक्शन होता है, बोलो था ना बेटा, कुछ मीडियम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच प्लस सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, ऐसा होता है। इसके पास एच है कि नहीं है, है ना बेटा। अगर कुछ भी हम लोग ना लेंगे न्यूट्रल मीडियम में क्या करते हैं, न्यूट्रल मीडियम में ये होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये किस पर अटैक कर देता है, यहाँ से एच को निकाल देता है, जैसे ओ एच माइनस एच को निकालता था सेम वे ये एच को निकाल देता, ठीक है ना। अगर आपको कोई मीडियम नहीं दिया हो, अगर कोई मीडियम तुम लोगों को नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट एल्कलाइन मीडियम इज कंसीडर, बेसिक मीडियम हम लोग बाय डिफॉल्ट बेटा बात करेंगे, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट हम लोग कौन सा वाला मीडियम लेके चलेंगे, एल्कलाइन मीडियम, यानी बेसिक मीडियम में हम लोग बातें करते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है सर, समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखो स्पेस टोटो, बिल्कुल इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास यहाँ एच है, एच पे अटैक कर देता है। नेक्स्ट लिखो स्पेस, देख है नहीं कब तक लिखो, लिखो स्पेस टोटोमराइजेशन, स्पेस टोटोमराइजेशन एस पी ए सी, ठीक है ना, स्पेस टोटोमराइजेशन। लिखो इफ, अरे लिख दी स्पेस टोटोमराइजेशन, लिखो इफ स्पेस बेटा स्पेस स्पेस टोटोम, लिखो इफ द टोटोमराइजेशन, इफ द टोटोमराइजेशन हैपन्स फ्रॉम एनी कार्बन अदर देन अल्फा एनी हाइड्रोजन, एनी हाइड्रोजन अदर देन अल्फा एच, अगर अल्फा एच के अलावा कोई और एच टोटोमराइज कर जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस टोटोमराइजेशन बोलते हैं, ठीक है बताएंगे बेटा, उम्मीद थी तुम्हें बेटा, क्या होगा टोटोमराइजेशन कहाँ से होते हैं, अल्फा एच के अलावा कहीं और से भी होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस टोटोमराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास में क्या होगा, मेरे पास में होता है सी एस थ्री, यहाँ पे एस पी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, इसको तुम लोग ठीक बेटा इसका मैकेनिज्म पढ़ोगे तो ओ एच माइनस और हम लोग किसे कराएंगे वाटर से, ठीक है। ओ एच माइनस कहाँ अटैक कर देगा, कौन सा वाला है एसिडिक, ये वाला निकालेंगे कि ये वाला निकलेगा, अल्फा वाले तो क्या यहाँ से नहीं निकाल सकते, यहाँ से निकालेंगे तो कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा क्या अनस्टेबल होगा, और यहाँ से निकाल दें तो क्या वो नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा बेटा, अनस्टेबल होगा ना, क्यों होगा अनस्टेबल, क्योंकि वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा और रेजोनेंस नहीं करेगा, और ना रहा ये नहीं आ रहा, और पी में नहीं होता ना, किस में जाता है sp2 में जाएगा, sp2 में जाएगा तो रेजोनेंस नहीं करेगा, थोड़ा OH- माइनस कहाँ अटैक करेगा इसी पे, इसको हम लोग देखेंगे तो बेटा OH- माइनस कहाँ अटैक करेगा, लास्ट में सी एस थ्री पे ना, सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, OH- माइनस कहाँ अटैक कर देगा बेटा, यहाँ पे जो H होगा उसको लेके निकल जाएगा ना, बट यहाँ क्या प्रोड्यूस कर देगा ये सी एच टू माइनस, यहाँ पे क्या होगा सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रेजोनेंस करता करता कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता करता कहाँ पहुंच जाएगा, ऑक्सीजन पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ माइनस एच,
तो स्पेस टोटोमराइजेशन तभी होता है जब नेगेटिव चार्ज जहाँ प्रोड्यूस होगा वो रेजोनेंस करता हुआ कहाँ तक पहुंच जाए, ऑक्सीजन तक अगर पहुंच जाए, ठीक है ना। तो अगर रेजोनेंस होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेस टोटोमराइजेशन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बट ये किस साथ में रिएक्शन कर लेगा, जो वाटर बना उसके साथ में, यहाँ के ना, वो किस पर अटैक करता है, बॉन्ड किधर टूटेगा, ऑक्सीजन की तरफ, क्या बनेगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, OH और H, क्या बना, क्या हो बेटा, ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, टोटोमर्स, दोनों एक दूसरे के क्या है, टोटोमर्स। कॉपी करो इसको, क्यों निकाले डालून के बाद, लिखो तो लिखो, सब भूल गए बेटा, समझ गए यहाँ तक? नहीं समझ में आया बेटा, ऐसा तो होगा ही, समझोगे तो बाद में लिखोगे जब तक ना। बट ये टोटोमराइज करेगा क्या, इसमें स्पेस टोटोमराइजेशन होगा कि नहीं होगा? देखिए सर, यहाँ पे एच है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो एच माइनस और वाटर से रिएक्शन करा होगा, सबसे पहले नेगेटिव चार्ज कहाँ जनरेट होगा, यहाँ पे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा, इधर जाएगा ये वाले बॉन्ड को, यही तोड़ोगे तो पहले क्या बन जाएगा बेटा, ऐसा कुछ देखो, यहाँ आएगा नेगेटिव डबल बॉन्ड, ओ अब क्या होगा बेटा, फिर से रेजोनेंस, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर से होगा तो बेटा क्या होगा, एक और स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं ऐसा कुछ, देखो ये बॉन्ड था इधर और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ओ माइनस, अब क्या करेगा बेटा, ये वाटर से एच ले लेगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या कहेगा, वाटर से एच लेके क्या बनेगा बेटा, फिनॉल, तो एक दूसरे के टोटोमराइज, दिख रहा है तुम लोगों को, ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, एक दूसरे के टोटोमर, ठीक है, किसके थ्रू बन रहा है, स्पेस टोटोमराइजेशन के थ्रू, क्या हो रहा है बेटा, स्पेस टोटोमराइजेशन हो रहा है, ठीक है, रेजोनेंस के थ्रू अगर टोटोमर होगा तो उसको स्पेस टोटोमराइजेशन बोलते हैं, और कैसे पहुंचा होगा नेगेटिव चार्ज को बिना रेजोनेंस के, इनके बेटा तुम लोगों को स्ट्रक्चर्स बना के लाने हैं, ठीक है ये होमवर्क है तुम लोगों के लिए, करके आना टोटोमर, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल तुमने कुछ पढ़ा है इसमें, कुछ पढ़ा तुमने इसमें आज?
तुम्हें लग रहा था कि आइसोमेरिज्म तो ऐसे हाल हुआ है। साफ किए थे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, मिलते हैं ना नेक्स्ट क्लास में।